ब्रेकिंग न्यूज है रायबरेली से, जहां रायबरेली नहर के किनारे खून से लथपथ अवस्था में मिली युवती बिहार प्रांत की बताई जा रही युवती ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र स्थित झालाबाग गांव के निकट की घटना। ग्रामीणों की मदद से पहुंचाया गया सीएससी, हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर। युवती के शरीर पर कई जगह चोट के निशान, चाकू से हमला करने की जताई जा रही आशंका। सहारी खातून पत्नी मकसूद आलम उम्र 22 वर्ष, शिवांगी हार थाना पचरे मियाँ प्रदेश बिहार के मूल निवासी। मामले की जांच में जुटी ऊंचाहार पुलिस। अंशु श्रीवास्तव और टीवी इंडिया 10 जिला संवाददाता रायबरेली। थाना ऊंचाहार में सूचना प्राप्त हुई कि जनपद फतेहपुर और रायबरेली के सीमा पर झालावाड़ नाम के गांव है, जहां पर एक युवती घायल अवस्था में पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी नीचे ऊंचाहार मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायल युवति को अस्पताल पहुँचाया और इस संबंध में जांच करने पर प्रभारी निरीक्षक को जो ज्ञात हुआ, उन्होंने उनके द्वारा बताया गया कि ये युवती और नीरज एक लड़का जो फतेहपुर जिला का रहने वाला है, ये दोनों सूरत में काम करते थे और वहाँ इनके बीच में प्रेम संबंध था। लड़की द्वारा शादी की जिद की जाने पर लड़के ने इसको अपने गाँव फतेहपुर जनपद में बुलाया था और यहाँ पर शादी न करके उसकी चाकू से उसको घायल कर दिया था। इस संबंध में घायल जो युवती है उसे तकलीफ प्राप्त करके आवश्यकता।